press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shemmaru. अच्छा तुम इधर है, बाहर निकल। चलो बात, चलो बात। मेरे बॉस तुझे का पता लग गया क्या? तुम चुप रहो, हम सब तुमको दिखाता है। चलो। प्रताप चंद जी, मैंने तो अपना कॉल पूरा किया, अब आप भी अपना वचन निभाइए। दूल्हे के बाप की हथेली पर 10,000 रुपए लगन के दिन रखना है, वो मुझे याद है। तुम श्री गणेश कीजिए ना। बस वो सर जी अभी आते ही होंगे रुपया लेकर। हाँ प्रताप चंद जी, अगर फेरों से पहले मेरे हाथ पर 10,000 रुपए नहीं आए तो जैसे बारात आई थी वैसे वापस चली जाएगी। प्रताप बेटा, समधी ने तेरे पर ये क्या कह दिया? वो फिकर मत कर माँ, हो सकता है सेठ जी काम हो गया। टेलीग्राम। किसका तारा बेटा? माँ बिंद्रा का तारा है, शादी की मुबारक लिखी। दोस्त हो तो ऐसा, परदेश में रहकर भी शादी की तारीख नहीं बोला। लेकिन बेटा इसका क्या होगा? वो फिकर मत कर माँ, हो सकता है सेठ जी को कुछ काम हो गया हो। मैं खुद जाकर रुपए ले आता हूँ, तो चिंता मत कर, ये शादी होकर ही रही। कॉल निभाने के लिए हम जिंदा हैं। आओ अंदर आ जाओ। लेकिन वो आपके आने वाले मेहमान कहाँ हैं? उनसे भी मिलवा देता हूँ। चलो ऊपर, चलो ऊपर है सब लोग। अच्छा चलो। संभल के संभल के, सीढ़ियाँ तो टेढ़ी नहीं। जी ये तो आपका बेडरूम है और यहाँ मेरे आपके सिवा तो कोई और नहीं। क्या कोई नहीं है तो आइए ना, चलिए आइए, आप बैठ जाओ ना, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। लेकिन लेकिन मैं तो बहुत सारी टिकट लाई हूँ। अजी हम खरीद लेंगे आपके चैरिटी शो के सारे टिकट। क्या आप सारे टिकट खरीद लेंगे? हम तुम्हें खुद जो देखना चाहते हैं। ये लो टिकट के लिए जो कुछ चाहिए इसमें से ले लो। थैंक यू। ये आपकी फोटो? नहीं नहीं ये फोटो मेरा नहीं है, कहीं तुम्हारा तो नहीं? ये रूप, ये जवानी, ये बांगपन, मैं तो कहता हूँ कि महात्मा भी अगर देखेगा तो बेईमान हो जाएगा। मुझे टिकट नहीं बेचनी, ये रहा आपका पर्स। नहीं नहीं नहीं, नहीं पर्स अपने पास रहने दो। सुनो जब कोई लड़की यहाँ पहली पहली बार आती है तो मैं ये पर्स उसे बतौर तोहफा हमेशा दे दिया करता हूँ। सुनो तुम जा रही हो, यकीन में क्या कम है? पर्स के तवसुल जाने वाली लड़की मैं नहीं हूँ सेठ जी, मुझे जाने दीजिए। अजय हमने अपने दौरे के तराजू में बहुत सी लड़की को जो किसी भी तराजू में तुल जाए वो लड़की ही क्या। अच्छा को
उसे छीनना है, चुराना है ना, हम बात नहीं समझते, समझो। तो फिर सुन लो, एक शरीफ लड़की खुद मर जाएगी, लेकिन अपने हाथों को कभी मरने नहीं देगी। अरे कहाँ चली मेरी बुलबुल? नहीं नहीं शांति, ऐसी बात नहीं है, मुझे मालूम होता है कि आज किसी ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ उल्टा सीधा पढ़ दिया है। हाँ पढ़ा दिया है, उसने जो 6 महीने से मेरे पेट में पल रहा है, दुनिया की नजरें मेरे पेट से हटकर मुझसे ये सवाल करती है, शांति इसका बाप कौन है? और तुम इसलिए परेशान हो कि इसका बाप कौन है, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत? सबूत मेरे पास बहुत बड़ा है, आपका लिख कर दिया हुआ वसीयतनामा, जो आपने मुझे लड़की से औरत बनाने से पहले लिख कर दिया। तो हम किसी पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवा कर तुमसे विवाह कर लेंगे। क्या आपने पंडित से मुहूर्त निकलवा कर मुझे लूटा था? और अगर आज हमें फुर्सत ना हो तो कल के हर अखबार में एक खबर छपेगी, एक लड़की ने एक नगर सेठ से अपनी बेइज्जती की कीमत वसूल कर ली, लगन आज ही करना होगा। तो आज हमें धमकी दी जा रही है? नहीं, एक माँ अपने बच्चे का हक मांग रही है। कान खोल कर सुन लो, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। देखो, बच्चा जब तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, दोनों माँ बाप उसके गुलाम होते हैं। मुझे कुछ न दो, अपने बच्चे को उसका हक दे दो, मुझसे शादी कर लो, मुझे शादी कर लो। बकवास। और ये भी अच्छी तरह समझ लो कि एक ही गाय को अपने दरवाजे पर जिंदगी और बांध कर रखने की हमें आदत नहीं है। तो फिर ऐसे आदमी को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, जो इज्जत तो लेना जानता है पर अपने बच्चे को बच्चा और पत्नी को पति बनाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें जिंदा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शांति, शांति, शांति। ये मत तो नहीं गई। शांति, शांति। चलो अच्छा ही, पुलिस तो क्या जवाब? पुलिस कल के हर अखबार में खबर होगी कि नगर सेठ के घर में एक खूबसूरत लड़की का कत्ल। नगर सेठ जगजीवनदास कत्ल? लड़की जिसके पेट में बच्चा था। लाश, ये लाश यहाँ नहीं रहनी चाहिए, इस लाश को यहाँ से हटा देना चाहिए। आप चिंता न करें सेठ जी, मोहन आपका वफादार नौकर है। अरे प्रताप तुम आ गए, मैं खुद तुम्हारे आने वाला था। अंदर अच्छा, बहुत अच्छा जब तुम आ गए, मेरा कलकत्ता से टेलीफोन आने वाला है, इसलिए मैं रुक गया। सेठ जी वो बारात वापस ले जाने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं पैसे लेने खुद ही चला आया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बारात वापस ले जाना ये तुम्हारा नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरा वो पढ़ने का चश्मा ऊपर है, मैं ले जाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दो लाइन लिखनी, पहले तुम ही लिख दो, कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा लिखना है, इसके बाद तुम रुपए लेकर लगन मंडप में पहुंच जाना। जी बोलिए। शांति, देखो शांति, हम तुम्हारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, तुम किसी तरह की चिंता न करो। प्रताप, सारा संसार दुखों से फटता चला जा रहा है, ये एक अनाथ अबला है जो अपनी घरेलू जिंदगी के खिलाफ लड़ना चाहती है, और इसकी सहायता करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ तो मैं कहाँ तक पहुंचू? जी चिंता न करो, मैंने तुम्हारे लिए सब चीजों का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। हाँ बस अब इसके नीचे साइन मैं खुद कर दूंगा। और ये लो तिजोरी की चाबी, 10,000 रुपये निकाल लो और तुम चलो, मैं कपड़े बदल करके आता हूँ। चलो लेकिन हाँ हाँ चलो ना, क्या हुआ, निकालो निकाल लो, चलो चलो।
लाश को अच्छी तरह ठिकाने लगा देना और वो चिट्ठी पहुंचा देना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर जी, मैं सब काम ठीक कर दूंगा। और सुनो जी, यहाँ कोई दूसरी लाश पड़ी होगी उसको भी बंदोबस्त कर देना। अच्छी बात है। अरे प्रताप, तुम अभी तक यही गए क्यों नहीं? ये रुपए आपको दिखाने थे और ये चाबी। ओहो, देखना क्या है, तुम इतवार वाले आदमी हो। जाओ जल्दी कहीं बारात में लौट जाओ भाई। जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं आता हूँ। अरे ये तो बेला है, आप जानते हैं इसे? यहाँ साहब मेरे महल में रहती। आप इसे अस्पताल पहुँचा दीजिए। मुझे बहुत जल्दी है, मेरी बहन की शादी है, मुझे फौरन वहाँ पहुँचना है। अरे साहब, कम से कम इतनी तो मेहरबानी कीजिए, इसे मकान तक तो पहुँचा दीजिए, बाकी इसका भाई सब कुछ इंतजाम कर देगा। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी कीजिए जल्दी। लक्ष्मी जी, माता जी, एक बात तो सुनिए, आप अपनी बात रखती हैं या मैं बेटे को उठाऊं मंडप से? देखिए, अरे भगवान सबकी लाज शर्म रखने वाला है, ये लीजिए 10,000 रुपए। प्रताप चंद जी, ये तो सिर्फ 10,000 रुपए, बाकी के 90,000 रुपए कहाँ है? 90,000? कौन से 90,000? अभी अभी से जगजीवनदास का फोन आया था, उनके तिजोरी से 1,00,000 रुपए गबन हुआ है। क्या बात है, मैंने चोरी नहीं की। ये रुपया तो मैं सेठ जगजीवनदास जी से लेकर अभी अभी अपनी गाड़ी में आया हूँ। कहाँ है आपकी गाड़ी? वो खड़ी है। लाइए चाबी दीजिए। लीजिए चलिए, गाड़ी की तलाशी लो। मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ। मैं तो शांति को जानता भी नहीं, मैंने जिंदगी में कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मकतूला शांति की जेब से जो चिट्ठी मिली है, उससे यह साबित होता है कि मुंजिम प्रताप और शांति के नाजायज ताल्लुकात थे, और वो मुंजिम प्रताप के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए मुंजिम प्रताप ने उसका खून करके उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इसके अलावा मुंजिम प्रताप ने अपनी बहन की शादी के लिए सेठ जगजीवनदास की तिजोरी से, जिनके यहां वो मुलाजिम था, 1,00,000 रुपए की चोरी की। चश्मदीद गवाहों के बयानात और शांति की लाश मुलजिम प्रताप की गाड़ी में मिलने से ये बात साबित होती है कि मुलजिम प्रताप ने भी शांति का खून किया है, इसलिए अदालत जेर दफा 302 ताजीरात हिंद मुलजिम प्रताप चंद व दीवान चंद को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं, नहीं। मैं देखना हूं। Thank you.
तो बताते जाओ, क्या लक्ष्मी की डोली कभी तुम्हारे आंगन से नहीं उठेगी? कौन मेरा कन्यादान करेगा? बताओ ना भैया, बताओ ना। कहाँ जा रहे हो? कभी मुझे लक्ष्मी कहते थे, अब मुझे एक होने की पत्नी सुनने के लिए छोड़े जा रहे हो? मैंने तुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया था प्रताप, जरा पीछे मुड़ के देख तो सही, पूरे परिवार के माथे पर क्या लिखे जा रहा है, एक खूनी का परिवार। मैं सच कहता हूँ माँ, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ माँ। बेगुनाह होते हुए भी तू फांसी पर चढ़ने चला आया मूर्ख, तू तो एक ही झटके में दुनिया से रिश्ता तोड़कर सुखी हो जाएगा, लेकिन उनका सोच, जिन्हें दुनिया तेरे बाद जीने नहीं देगी, चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि ये है खूनी का बेटा, ये है खूनी की बहन, ये है खूनी की पत्नी और ये है खूनी की माँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मर्जीना, तेरे अली बाबा का खजाना ये डाक मार मार कर डाकू ढूंढ रहा है, इसे कह दो कि हमने अगर बंद हो जा सिम सिम कर दिया तो ये भी बंद हो जाएगा। है तेरे पास नहीं है खजाना, बताओ अली बाबा। मां बदालत हुई से चौदह भाई का बीरबल नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की तफ्तीश मुल्क को पागल करार दे रही है, इसलिए अदालत फांसी की सजा तब तक के लिए मुलतवी करती है जब तक मुल्जिम की दिमागी हालत ठीक ना हो जाए। मुल्जिम को पुलिस की कड़ी निगरानी में पागलखाने में रखा जाए और ठीक होते ही इसे फौरन फांसी दे दी जाए। Oh, my God.
अरे वाह सरदार जी, तुसी कमाल कर देता। कमाल असी नहीं बाबू जी, तुसी कीता है। तुसी ता सब दी टिफरी टाइट कर दीती। आओ ये लीजिए। शुक्रिया। ना देख लीजिए सब ठीक है ना। हाँ? सब ठीक है। बस आप कहाँ जा रही है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे। चलिए ना, गुंडे हैं रास्ते में, फिर आपको परेशान करेंगे। चलिए अब। अच्छा, पुलिस स्टेशन में हम तीनों को फोटो है, उसका क्या? तो फिर हम करें क्या? ठहरो, सोचता हूँ। आइडिया, चलो। इनाम साहब। अरे इनाम मतलब निकल गया तो भूल गए? मतलब तीन दांत टूट गया। जी जी, इनाम नहीं तो मजदूरी तो दीजिए साहब। मजदूरी? बुलाओ पुलिस को। पुलिस में कसम खाएंगे साहब कि आपको हीरो बनाने के लिए पर्स मारा है। साहब आपने तो हमें वचन दिया था कि लड़की अगर आपको हीरो मान ले तो आप हमें 300 रुपये इनाम देने वाले थे ना। अरे मैंने ही कब कहा था, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं। आप तो हीरो है। अरे ये सामान आपने बाहर क्यों फेंक दिया? जी मैं जीरो हूँ। लगता है अफ्रीका से आप जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं। ऑल राइट द टिबरी टाइट। सरदार जी टैक्सी खाली है क्या? हाँ खाली है। थैंक यू। ओए तुसी, चलो बैठ जाओ अंदर। कम से कम है बाबूजी नालों तो तुसी शरीफ है ना। अब कितने जाना है मोतिया वाले हो? कि आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी, बैठिए। शुक्रिया। सामान दिखी में, शुक्रिया बाद में। अरे 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 पापा जी, तुसी बिल्कुल टिक कह गए। हिंदुस्तान बहुत बदल गया है। और हमने तो जगजीवन दास जैसा धर्मात्मा नहीं देखा। कितने नमस्कार। नमस्कार सेठ जी। पधारिए पधारिए, जय हो महाराज। जीते रहो। कहिए कैसे आना हुआ? सेठ जी मैं श्रीनाथ अनाथ आश्रम का सेवक हूँ। हाँ। कुछ चंदा मिलेगा? अरे आप इतने शुभकाम से आए, हम बोला इनकार थोड़ी कर देते हैं। जी महिला मंडल में महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, मंडप छोटा पड़ गया है। ओ महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, तो ऐसा कीजिए एक मंजिल और चढ़ा दीजिए, सब काम ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। और कहिए मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? नमस्ते भाई साहब। आप भी पधारिए। आप कौन से आश्रम से आए? भाई साहब मैं बिंद्रा हूँ। आहा बृंदा आश्रम, वाह वाह। अरे बिंद्रा तुम कब आए? अभी अभी आया। और सामान कहाँ है? भाई साहब सामान को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुका है। आप हैं कैसे? अरे भाई जैसा छोड़ गए थे वैसे ही हैं हम। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये बताओ तुम्हारे बारे में जो हमने सुना वो कितना सच है और कितना झूठ है? सब सच है भाई साहब। सब सच है? बिल्कुल। अफ्रीका में अपनी जितने भी मिले और कारखाने थे उनमें काम करने वाले मजदूरों को मैं सब सौंप के आ गया। बिंद्रा मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम वहां धन कमाने गए थे या बाप दादा का धन लुटाने? आपने सुना? सुन लिया आपने? पढ़ा लिखा बालक वहां के मजदूरों को मालिक बना के चलाया है। सरासर पाप है सेठ जी, ऐसा दान पाप समान होता है, जिससे दानी खुद भिखारी बन जाए। सुन लिया, सुन लिया तुमने? एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, गरीबों की सहायता करना पाप है? बिंद्रा तुम गरीबों की सहायता करो, मिलके मजदूरों को मिलकर मालिक बना दो, लोगों की तकदीरें बदलते फिरो, तुम क्या कोई भगवान हो? ऐसा भी समझ लीजिए मैंने भगवान का थोड़ा सा हाथ बटाया है बस। छी 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 छी। ए बिंद्रा तुम अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं। देखो
तुम सात समंदर की यात्रा करके आए हो, तुम अशुद्ध हो गए हो, तो पूजा करो, स्नान करो। अच्छा ठीक है, मैं स्नान करके फिर अंदर। अरे यहाँ नहीं, काशी जाना पड़ेगा, काशी। इतना बड़ा पाप किया है, काशी जाना पड़ेगा। जाओ काशी फिर जाओ काबा, पहले पड़ोसी को प्यार करो बाबा। फिर जाओ काशी फिर जाओ काबा, पहले पड़ोसी को प्यार करो बाबा। इंसान होने का फिर करना दावा, इंसान होने का फिर करना दावा। पहले गरीबों को दया करो बाबा। उसके बंदे ही भूखे रहेंगे, भगवान को भोग कैसे लगेगा जब उसके बंदे ही भूखे रहेंगे। सिंगार मूरत पे कैसे सजेगा जब उसके बच्चे ही नंगे फिरेंगे। मंदिर में पीछे चढ़ाना चढ़ावा, पहले गरीबों से दया करो बाबा। फिर जाओ काशी फिर जाओ काबा, पहले पड़ोसी को प्यार करो बाबा। सजदों में सर अपना पीछे झुकाना, गिरते हुओं को तुम पहले उठाओ। सजदों में सर अपना पीछे झुकाना, गिरते हुओं को तुम पहले उठाओ। गिरजों में शम्मा चढ़ाना तुम पीछे, दुखियों के घर पहले दीपक जलाओ। दीनों धर्म का फिर करना दिखावा, पहले गरीबों से दया करो बाबा। फिर जाओ काशी फिर जाओ काबा, पहले पड़ोसी को प्यार करो बाबा। दुखिया दिलों की दुआ लेके देखो, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। दुखिया दिलों की दुआ लेके देखो, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। इंसान की खिदमत ही सच्ची इबादत, कोई इससे बढ़ के इबादत नहीं है। पूजा इबादत का फिर करना दावा,
पहले गरीबों पे दया करो बाबा, फिर जाओ काशी फिर जाओ काबा, पहले पड़ोसी को प्यार करो बाबा, इंसान होने का फिर करना दावा, इंसान होने का फिर करना दावा, पहले गरीबों पे दया करो बाबा, पहले पड़ोसी को प्यार करो बाबा, पहले गरीबों पे दया करो बाबा। कब आए? बस आ ही रहा हूँ। माँ वो प्रताप भैया कहाँ है? बेटा प्रताप की काली किस्मत उसको हमसे बहुत दूर ले गई। माँ क्या बात है, क्या हुआ? वो कहते हैं उन्होंने चोरी की है। कौन कहता है? बड़े सेठ जी। बड़े सेठ जी? हाँ, पुलिस कहती है बेटा प्रताप खूनी है और जज साहब कहते हैं उसे फांसी दे दो। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? हाँ बेटा, यही सब सुन सुनकर हमारा प्रताप पागल हो गया। पागल? माँ ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? जिस दिन लक्ष्मी के फेरे पड़ रहे थे बेटा। अरे लक्ष्मी, ए पुल्ली, तुम रो क्यों रही है? तेरे तो दोनों भाई जिंदा हैं। फेरों के समय भैया को पुलिस हथकड़ी पहना दे। भाभी जी अब धीरज रखिए, आपके सुहाग का सिंदूर हमेशा चमकता रहेगा। एक दिन प्रताप भैया सही सलामत इस घर में जरूर वापस आएंगे। नहीं बेटा नहीं, अभी तो हम सबकी यही प्रार्थना है कि प्रताप पागल खाने से कभी घर वापस ना आए। माँ आप माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी प्रार्थना करती हैं? हाँ बेटा, जिस दिन हमारा प्रताप अच्छा हो जाएगा उसी दिन अदालत उसे फांसी दे देगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं पुलिस और अदालत को यह साबित कर दूंगा कि उन्होंने प्रताप भैया को गलत समझा है। आज मैं कसम खाता हूं मां, जब तक मैं प्रताप भैया को छुड़ा कर वापस नहीं ले आऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे आशीर्वाद दो मां। जो भर के दिल मेरा धर के दर्द जवानी का उठाए दर्द। डॉक्टर आनंद, जितनी जल्दी हम इस केस की फाइल को बंद करना चाहते हैं उतनी देर होती जा रही है। आप तो अपनी बात दोहराए जा रहे हैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इलाज करना डॉक्टर का काम है, शफा तो मेरे हाथ में नहीं। इलाज से कुछ फर्क मालूम हुआ? जितना आपको दिखाई देता है बस उतना ही। हमें तो कोई फर्क दिखाई नहीं देता डॉक्टर, जैसा पागल आया था पता वैसा ही है। आप इस केस की फाइल बंद कब होगी? मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं इंस्पेक्टर कुलकर्णी, अंदर भेज दो इन्हें।
यस मिस्टर बिंद्रा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जी मैं अपने एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ। कौन दोस्त? क्या नाम है उसका? प्रताप चंद दीवान चंद। आई एम सॉरी मिस्टर बिंद्रा, आप पुलिस की इजाजत के बिना प्रताप चंद से नहीं मिल सकते। और पुलिस परमिशन नहीं दे सकती। मगर क्यों? मिस्टर बिंद्रा, आप शायद नहीं जानते कि प्रताप चंद एक संगीन जुर्म के इल्जाम में पागलपन के इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में रखा गया है और उसके ऊपर पुलिस की कड़ी निगरानी है। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं बहुत दिनों के बाद बहुत दूर से अपने दोस्त को। शोभा नहीं देती कल्लू। कल्लू तुम तो अच्छे आदमी हो। शाबाश शाबाश कल्लू। छोटा भाई को तलवार चलाते हुए देखा, तेरे पास गिरी है? नहीं है। नहीं कल्लू, कल्लू मुझे छोड़ो। अरे वीर भाई को किसने पकड़ लिया? कल्लू अम्मा बताओ लोग बिना फौज के हमला करने आ रहे हैं। अरे अभी देखो तलवार वाली तुम चोट करने आई था। नाम बता लो को हाथ लगाते हो। बहुत बॉय तेरे को मिली है ना? मिली है दूधा भाई के लिए। बहुत बॉय है तेरे भाई। मैं खूब लेट जाऊंगा। मेरी बेड़ी आ रही है। बस मैं ये बता है उसे बता लेट है। अरे बेड़ी जोड़ा मैं अभी तक तुम्हें हॉस्पिटल का एक मरीज ही समझता था, मगर तुम्हारी इंसानियत और बहादुरी ने मुझे तुम्हारी तस्वीर का छुपा हुआ हिस्सा भी दिखा दिया है, जिससे मेरी सोच और बढ़ गई है। जुर्म के बाद एक बहादुर आदमी ने एक्टिंग का सहारा लिया। सजा से डरते हो? मुजरिम को उसके जुर्म की सजा न मिले, ये भी एक जुर्म है डॉक्टर। अगर बेगुनाह को सजा हो जाए, ये भी जुर्म। मुझे एक बेगुनाह की मौत के साथ मेरे सारे परिवार की मौत हो सकती थी। ये सोचकर पागलपन पर ढोंग जाकर मैंने अपने बेकसूर खानदान को बचा लिया। तुम बेगुनाह हो। मेरी कहानी सुनकर तुम खुद ही फैसला कर। परेशान हो गए ना डॉक्टर? मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी कहानी सुनाकर तुम्हें भी परेशान कर दिया। एक तरफ मेरे फर्ज और तुम्हारी बेगुनाही में एक कश्मकश शुरू हो गई है। फैसला मैं कर देता हूं डॉक्टर। मुझे पुलिस के हवाले करके कह दो कि तुम पागल नहीं एक एक्टर हो। मुझे पागल समझते हो? मेरी बहन को एक कातिल के हाथों से छुड़ाकर तुमने मेरी बीवी को विवाह होने से बचाया। मैं तुम्हारी गर्दन को फंदे के हवाले करके
तुम्हारी बीवी को विवाह बना दूं, आपकी इंसानियत आपकी कदर का फंदा न बन जाए डॉक्टर। फिर सिर्फ एक महीने की मोहलत हो, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत तलाश कर लूंगा। ऐसा तो डॉक्टर बेटी, देख तो सही काम है। Who is there? अरे आप यहाँ रहती हैं? आप इतने शरीफ हैं कि यहाँ तक आ पहुंचे। मिस्टर, ये असली शरीफों का मोहल्ला है, जाइए वरना लोग बिना टिकट तमाशा देखेंगे। जाइए, अरे जाइए। अरे बेटी कौन था? अरे पिताजी, जो सर बस स्टॉप पर मिला था आज बेशरम अपने घर तक पहुंच गया है। अच्छा मैम साहब, मैं तो लोफर नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ, जेंटलमैन। आपसे कुछ बातें करनी है, दो बातें सुन लीजिए मेरी। अरे बातें मैं बनाऊँ ये लोफर? अरे मुकदमा सुनने से पहले आप डिग्री दे रही हैं। कल से तो आदमी शरीफ ही मालूम होता था। अरे पिताजी, किसी की शक्ल पे शरीफ बदमाश थोड़े ही लिखा रहता है। लेकिन बेटे, दरवाजे पर आए हुए आदमी से चंद शराफत की बातें कर लेने में ही शराफत है। अब बोलिए मैं क्या करूँ, वो तो चला गया। अच्छा वो मैं चला नहीं गया, वरना आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही। टेबल पर दूध का ग्लास रखा है, आधा बचा है तो पी लीजिएगा, और ये दोपहर की दवाई है, वक्त पे दोनों ले लेना, ठीक है? मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे फिक्र मत कीजिए पिताजी, रास्ते में सड़क छाप की रोक से भी मिलती हूँ। मेरी बात एक मिनट के लिए सुनिए। दो मिनट के लिए सुनाइए। आप इसी चौर में रहती हैं? नहीं नहीं, आप रहते हैं, आप देख चुके हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ। अरे हाँ, अब वो शांति भी इसी चौर में रहती थी ना? शांति? जी हाँ शांति। एक शांति नहीं, दो शांतियाँ रहती थी। दो शांतियाँ? जी, एक बदन की मोटी थी, कद की छोटी थी, रंग की काली थी, जिसकी एक लालटेन बुझी बुझी सी रहती थी। ये तो नहीं हो सकती। और दूसरी शांति? दूसरी शांति लंबी लंबी सी, गोरी गोरी सी, पतली पतली सी, जिसे लोग मुड़ मुड़ कर देखा करते थे। हाँ शायद ये हो सकती है। वो कहाँ है आजकल? वो तो आजकल शांत नगर में रहती है। शांत नगर में? जी, आजकल उसका पोस्टल एड्रेस यही है। एक दो तीन चार मिनट हो चुके हैं। हाँ सुनिए, सॉरी, आप इस शांति से मुझे मिलवा सकती हैं दूसरी वाली से? मतलब की बात पर आप जरा देर से आते हैं मिस्टर। यही मुझ में खराबी है, मैं मुंहफट नहीं हूँ, मतलब की बात आसानी से जबान पर नहीं आती। देखिए टाइम ओवर 5 मिनट हो चुके हैं, मुझे देर हो रही। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वक्त पे आपको खुद पहुँचा दूंगा वहाँ। तो फिर तो गाड़ी आपके पास जरूर होगी? हाँ गाड़ी है। वेरी गुड, तो चलिए मैं आपको शांति से मिलवाती हूँ। चलिए, लेकिन उधर नहीं, वहाँ है गाड़ी। आइए। ये मुझे कहाँ ले आए? एक शरीफ घराने में। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। ये मेरी माँ जी है। माँ जी, ये श्यामा है। नमस्ते जी। वो मेरे भाभी जी हैं और वो मेरी बहन है। नमस्ते। हाँ, ये लो तुम्हारे बिस्किट। ये है मेरा परिवार। तुम्हारा परिवार? इसी घर में खेल कूद के इन्हीं की गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज इस परिवार की हंसी लुट चुकी है। ऐसा क्यों? कभी कभी किस्मत इंसान के साथ अजीब खेल खेलती है। दादा भाभी दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती है, कहीं इनकी मां का सिंदूर अदालत पूछ न डाले। क्या
अदालत में इनका कोई केस चल रहा है। और ये मेरी लक्ष्मी बहन को देखो, कन्यादान के घड़ी बड़े भाई को पुलिस इसकी आंखों के सामने गांव की तरह धकेल कर ले गए। उस दिन से अपने आप को जिंदा नहीं समझती, सोचती रहती है कौन करेगा कन्यादान। मतलब कि इस पूरे घर का सुखी लूट चुका है। सुख वापस आ सकता है उस दिन जब प्रताप भैया कानून के पंजे से छूटकर सही सलामत इस घर में वापस आ जाएंगे, और इसके लिए तुम मेरी मदद कर सकती हो। चंद्रमुखी, अरे हम तो हो गए बड़े दुखी। क्यों? भगवान, एक करार और लग गया, काला बाजार बंद, मुनाफा खोरी बंद, स्मगलिंग बंद, अरे मटका झटका तो पहले बंद था, अब तो बेटा बेटी का मार्केट भी बंद हो गया। अरे दहेज लेने वाले देने वाले दोनों को एक ही हथकड़ी में बांध दे रहे हैं। तो क्या पुलिस दहेज बदल के आ गई है? मन से लागे है, बेटी वाले पुलिस वालों के साथ मिलके जा रहे हैं। थारो क्या हो गया? तुमने तो बेटी वालों से 10,000 मांगे हो। मरे बाप की तौबा, हमारी तो पुलिस के नाम से ही धोती गिल्ली हो जावे है। अरे शेर जी, मारो नाम सेठ हजारी मल, मारो पिता के पिता सेठ लाखों मल, तारे पिता के पिता सेठ चौखा मल के साथ लकली सोना और असली चांदी का धंधा था। अच्छा, तो थारो नाम है सेठ हजारी मल। हमारे नमस्ते जी, सेठ हजारी मल जी, तुम्हारे गरीब खाने पर के आने का कैसे कष्ट किया? सेठ गिरधारी लाल जी, मैंने जो प्रताप चंद से 10,000 रुपया दहेज मांगा था ना, वो मैं रोकर ले आयो। छुपा लो, मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, और मेरी शादी भी मैं वहीं करूंगा जहाँ हम बारात लेके गए। अरे शेखर, 10,000 की रकम तू ही रख ले। जिन्हें अपने बाजू पे भरोसा है वो इस दहेज की रकम को पेशा। अरे वाह बेटे, तेरे विचार अधिक ऊंचे हैं। अजी विचार तो हमारे भी बहुत अधिक ऊंचे हो गए हैं। अच्छा जी, जी कब से है? अजी जब से अखबार में पढ़ा है कि दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों हवालात में बंद हो जाए। अच्छा अब तुम जाओ, हम पूर्णिमा के दिन बारात लेके आ जा रहे हैं। तो मैं बारात पक्की समझूं? अजी पक्की, और सोनाने पक्की, और यो बात भी पक्की कि हम दहेज की दमड़ी तक नहीं लेंगे। अरे देव जी, तारो बड़ो उपकार, बड़ी कृपा करी। अच्छा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो भगवान, चलो असली है ना तारो? मतलब पुलिस के आदमी तो नहीं? अरे सेठ जी, भगवान का नाम लो, कहो तो इसके साथ हम खाए। हम तो आने का भाव है, पक्का का भाव है। चलो ना। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तू क्या कर रहा? एक जरूरी खबर जो इस पेपर में नहीं है। क्या? मैंने कल बिंद्रा का पीछा किया, वो शांति की चाल में गया था। इससे क्या होता है? कुछ लोगों से शांति के बारे में पूछताछ की, और फिर एक खूबसूरत लड़की को लेकर चल दिया। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। फिर वो इंस्पेक्टर कुलकर्णी से जाकर मिला, और फिर वो पागल खाने में जाकर वहां के चीफ डॉक्टर से मिला। मोहन, तुम देख रहे हो जिन रास्तों से बिंद्रा जा रहा है, ये कहां जाकर खत्म होते हैं? ये रास्ते खत्म होते हैं सरकारी पागलखाने में, जहां प्रताप है, और प्रताप ही हमारे सब पर बहुत बड़ी तलवार है।
ये तलवार हटा दी जाएगी। कौन हटाएगा? तुम। बाकी लोग उंगली हम पर उठे हैं, इसलिए कि तुम हमारे खास आदमी हो। मेरे पास और आदमी भी तो है, तो फिर ये काम हो जाना चाहिए। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। भेजा तुझे? बताता है या नहीं? जान की जरूरत है तो बोल। मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं। फिर भी तुम मेरी जान लेने आया था? क्यों, किस लिए? बोल। ऐसे का लालच किसने दिया था? लालच बताता है या नहीं? बोल बोल। मोहन जी कहां रहता है? मैं हूं प्रताप। क्या बात है प्रताप? ये कौन है? ये मेरी बेगुनाही का सबूत है डॉक्टर साहब। मैं समझा नहीं। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बात पर यकीन किया, मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत लाने का मौका दिया, लेकिन आज सबूत खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। कैसे? क्या हुआ? इस आदमी को यहां मेरी जान लेने के लिए भेजा गया है। क्यों और किसने? उन लोगों ने जिन्होंने खून किया है और जिनके सर पर थक थक के मैं जिंदा हूं तलवार हूं। तुझे इससे पता लग गया है जहां से कि मैं सबूत ला सकता हूं। यानी तुम हॉस्पिटल के बाहर जाना चाहते हो? हाँ डॉक्टर साहब, इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। जब तक मैं वापस ना आऊं कि यहां से बाहर न जाने का। तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन एक बात याद रखो कि जब तक तुम हॉस्पिटल से बाहर हो मेरी पोजीशन बहुत खतरे में। जब आया करता हूं डॉक्टर साहब, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। उस दिन मैंने तुम्हें वहां आते हुए देखा था
और उसी रात को तुम सड़क पर गिरी हुई थी। जी मैं सेठ की बालकनी से नहीं गिरी थी। कौन सेठ? कैसी बालकनी? हाँ लड़की तो वहां बहुत आती है लेकिन गिरी सिर्फ एक तुम हो। नहीं आप नहीं आते। इतना तो तुम जरूर समझती क्या ऐसी मार उसी लड़की को लग सकती है जिसे या तो लाठी से पीटा जाए या जो अपनी लाज बचाने के लिए बालकनी को। आप कौन हैं? ये तुम्हारी शराबत है कि तुम अपने मन से कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन तुमने अपने भाई मोहन को क्यों नहीं बताया कि तुम सेठ जगजीवनदास की बालकनी से गिरी थी? ये तो नहीं कि उसे मैं आकर मोहन जगजीवनदास का फोन लगा दे। मोहन काम से आ जाएगा तो मैं उसे कैसे भी तुम्हारा भाई काम काम करता? मैं कुछ नहीं जानता। सेठ मैं जानता क्योंकि राहुल और मैं दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो आप जानती हैं कि वह सेठ जगजीवनदास के यहाँ काम करता है? पहले नहीं जानता था लेकिन अब जान गया। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मेरे भाई को ये मत बताइए कि मेरी यह हालत उससे नहीं की है भगवान की। मुझ पर तसल्ली रखो मेरी छोटी बहन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मुंह से यह राज निकलकर कभी मोहन के कानों तक नहीं पहुंचेगा। तो अंधेरे में काम करते मैंने तो उजाला कर दिया। कौन तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते नहीं सेठ जगजीवन दास की हवेली है? ऊंचे सेठ की ऊंची हवेली यही तो निशानी बताई थी मोहन ने। कौन मोहन? सेठ तुम मोहन को नहीं जानते? नहीं नहीं नहीं। तो कहीं उसने मेरे साथ बेईमानी तो नहीं की और अगर की है वो भी कटेगा। अरे भैया बात तो बतलाओ बात क्या है? बात क्या है सेठ? उस साले मोहन ने किसी प्रताप का मुझसे खून करवा दिया है और बाकी की रकम लेने के लिए तुम जैसे महात्मा के पास भेज दिया। अभी जाकर निपटता हूं साले। अरे ठहरो ठहरो ये तो बतलाओ असली बात क्या है? कल छापे में पढ़ लेना सेठ अभी तो मेरे रामपुरी से प्रताप का खून भी नहीं सूखा। तो तुम खूनी हो? था नहीं सेठ पापी पेट ने बना दिया है लेकिन अब मैं प्रताप का खून कराने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो तो प्रताप का खून तुमने किया है? पेट पर्दे से बाहर आकर बात करो। तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है इतने बड़े सेठ होकर इतनी छोटी सी रकम के लिए खून रख निकाल बैठे ये तो मेरे बाकी के चेहरा था। मगर इसका क्या सबूत है कि बर्ताव वाकई खत्म हो चुका है? सेठ चार आने की बात अभी सरकारी पागलखाने टेलीफोन कर पूछ लो कि मुर्गा कटा है कि नहीं। सुनो कहीं अस्पताल जाकर वो फिर से जिंदा तो नहीं हो गया होगा? कौन पता? अरे सेठ उस्ताद शकूरा ने रामपुरी चलाया है 10 जन्म तक मुर्दा ही पैदा होगा। तुम ठहरो मैं रकम लाता हूँ। ठहरो 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 ये लो पूरे 4,000 हैं गिन लो। मोहन मेरा ही आदमी था। सेठ खून बेजबान नहीं होता और ये आज तुम्हें भी पता चल जाएगा। तुम? मैं तुम्हारा 15 साल नमक खाया हुआ नमक हराम नौकर पड़ता ना तुम्हारा आदमी मुझ पर हमला करता ना आज तुम्हारे मुंह से ये शराफत की चादर हटती। मेरे मुंह से शराफत की चादर हटा तो तुम दुनिया को क्या बताओगे? क्या बताऊंगा? मैं दुनिया को बताऊंगा कि प्रताप का खून वही करवा सकता है जिसने शांति के नाम प्रताप से चिट्ठी पाई थी जिसने शांति की लाश उठाकर प्रताप की गाड़ी में रखवाई थी जिसने प्रताप के नाम चोरी और खून का झूठा इल्जाम लगाया। पागल की बात तो भला कौन एक बात करेगा? पुलिस करेगी कानून करेगा मत बोलो सेठ मोहन का भेजा हुआ आदमी अभी तक प्रताप के कब्जे में है। मेरा कोई कुछ नहीं बता सकता। फांसी की रस्सी तेरी शक्ल बिगाड़ देगी सेठ। जगजीवनदास फांसी का फंदा लंबे लंबे कदमों से तेरी तरफ बढ़ रहा है। याद रख जब तक प्रताप जिंदा है तो जिंदा लाश बना रहेगा।
पागल मैं नहीं, पागल तुझे बनाकर जा रहा हूं। पूरे सबूत के साथ फिर मुलाकात होगी, आखिरी मुलाकात। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, वो पागल पत्ता वो भी हमारे बंगले पर आया था, वो हमें धमकी दे रहा था, हमें खतरा है। इम्पॉसिबल, प्रताप वहां कैसे आ सकता है, उसको पुलिस का कड़ा पहरा है। हम आपसे कहते हैं कि वो प्रताप ही था, आप इंक्वायरी कीजिए। ठीक है, हम इंक्वायरी करते हैं। हवलदार। यस सर। जीप निकालो। अच्छा, कहाँ जाने? तारखाने। अच्छा जी। भाई साहब, आप उस पर गोली क्यों चला रहे हैं? वो चोर है, खूनी है, ना जाने वो किस इरादे से यहाँ आया था। मेरा दिल कहता है वो खूनी नहीं हो सकता। चोरी का चार्ज भी आप ही ने तो लगाया था, उस पे जो पिताजी के जमाने से तिजोरी की चाबियां संभाले रहता था। बिंद्रा, तुम अभी बच्चे हो, इंसान की नीयत और ईमान बदलने में देर नहीं लगती है। लेकिन वो आप ही के पास क्यों आया? अपना दुखड़ा रोने के लिए मेरे पास भी तो आ सकता था। और जरूर आपके पास किसी खास काम के लिए आया होगा। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। आप कुछ नहीं जानते भाई साहब, फिर भी उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जब तक तुम हॉस्पिटल से बाहर हो, मेरी पोजीशन कुलकर्णी साहब, नर्स ने मुझे बताया कि आप हमारे पागलखाने की तलाशी लेना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर, हमें प्रताप से मिलना है। लेकिन इस तरह अचानक पुलिस को प्रताप की जरूरत क्यों पड़ गई? डॉक्टर, इसलिए कि प्रताप की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। लेकिन कुलकर्णी साहब, एक डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने मरीज को रात के वक्त जगाऊं। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन पुलिस का प्रताप से इसी वक्त मिलना जरूरी है। आप किसी तरह सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? आप मिलाना चाहेंगे या नहीं? नहीं नहीं कुलकर्णी साहब, मैं तो चाहता हूं कि ये मुलाकात हो जाए। आइए फिर मेरे साथ। आइए ना डॉक्टर साहब, आइए। प्रताप अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है वो? आज सुबह उसे बहुत जबरदस्त दौरा पड़ा था, इसलिए उसके इलाज के लिए हमने उसे डिस्पेंसरी नंबर 2 में रखा है। आई सी। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका कैदी। हेलो। हेलो, सर जगजीवंदास जी हैं? जी नहीं, मैं सेठ जी का छोटा भाई बिंद्रा बोल रहा हूँ। हाँ सेठ जी, से आप इतना कह दीजिएगा कि पूरी इंक्वायरी के बाद हमें पता चला है कि जब से प्रताप पागलखाने में दाखिल हुआ है, एक पल के लिए भी वो वहां से नहीं हटा। ठीक है, ये मैसेज मैं उनको दे दूंगा। थैंक यू। बिंद्रा, कौन था? इंस्पेक्टर कुलकर्णी का फोन था। क्या कहा उसने? पूरी इंक्वायरी करने के बाद उनको पता चला है कि जब से प्रताप उस पागलखाने में दाखिल हुआ है, वो एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी का तो दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन सुनो, तुम कहां जा रहे हो? मैं वहीं जा रहा हूं, पागलखाने, प्रताप से मिलने। लेकिन तुम वहां क्यों जा रहे हो? मैं उसे खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि उसकी बहन लक्ष्मी की शादी की तारीख मुकर्रर हुई है। देखना चाहता हूँ इस खुशखबरी का उस पे क्या असर होता है। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे रहने दीजिए भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? नहीं, तुम गाड़ी निकालो,
हम अभी आते हैं। जैसे आपकी मर्जी। हेलो मेंटल हॉस्पिटल, देखिए मैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी बोल रहा हूँ। जी हाँ, वहां हमारा एक आदमी है, उसे बुला देंगे आप प्लीज। अरे भाई क्या बात है, दो दिन से माँ बदलत दिखाई नहीं दे रहे। क्या मेरे सर में मिलेगी क्या? अरे जू कहाँ से मिलेगी? तेरा सर तुम्हारा दफा हो गया। अरे गिरा तो बिल्कुल सफा चट है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है? यस मिस्टर बिंद्रा, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब आज मैं फिर वही रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, मुझे एक बार देखिए। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि आपको प्रताप से मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब मैं इससे कई बार कह चुका हूँ, नादान है, जिद कर बैठा है और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब अगर सदमे से आदमी पागल हो सकता है तो खुशी की खबर सुनकर शायद अच्छा भी हो सकता है। मेरे पास प्रताप के लिए कोई ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनकर उसके दिमाग पे असर हो सकता है, इसलिए उसे मिलने की मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मिस्टर बिंद्रा अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, फिर भी पुलिस किसी भी सूरत में कभी भी इजाजत नहीं देगी। इस वक्त पुलिस इजाजत देती है क्योंकि आप प्रताप के गहरे दोस्त हैं, लेकिन आप उसे अकेले मिलेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए अवलदार। जी साहब, बिंद्रा बाबू को प्रताप से मिला दो, लेकिन इससे अकेले मिलेंगे। जी साहब चलिए। बिंद्रा बिंद्रा बन तो वो मुरली वाला। मुरली वाला नहीं भाई साहब, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। लक्ष्मी बहन की शादी हो रही है। है? लक्ष्मी की शादी हो रही है? हाँ। तो क्या विष्णु ने उसे तलाक दे दिया? तलाक नहीं भाई साहब। नहीं दिया ना तो माँ बदौलत की परमिशन की जरूरत होगी। हम अभी लिख के देते हैं। कलम दो, लाओ कलम दो, लाओ जल्दी जल्दी। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? विष्णु ने तलाक दे दिया है भाई साहब, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है तो ये लो हम फाड़े देते। पीड़ी है तेरे को। लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे तू तू पहले जा, पहले भीड़ बात बोला। हां जा तू जा जा। अरे तेरा ये पेन भी रह गया रे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बैठिए। सॉरी इंस्पेक्टर, मेरा दोस्त बिल्कुल पागल है। अमलदार सावन। ये सर। ये क्या? इसे प्रताप के कमरे में छुपा के रखा था। प्रताप के कमरे में? जी हाँ, अभी मालूम पड़ जाएगा हकीकत क्या है। पीड़ी है तेरे को। साहब मैं बिंद्रा हूँ। बिंद्रा 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 बन तो वो मुरली वाला। मुरली वाला नहीं भाई साहब, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। लक्ष्मी बहन की शादी हो रही है। है? लक्ष्मी की शादी हो रही है? हाँ। तो क्या विष्णु ने उसे तलाक दे दिया? तलाक नहीं भाई साहब। नहीं दिया ना तो माँ बदौलत की परमिशन की जरूरत होगी। हम अभी लिख के देते हैं। कलम दो, लाओ कलम दो, लाओ जल्दी जल्दी। ये आप क्या कर रहे हैं? तो लिख देते हैं। विष्णु ने लक्ष्मी को तलाक दे दिया है।
जान से प्यारे दोस्त इंदिरा, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन लक्ष्मी की शादी की खुशखबरी सुनाकर तुमने मुझे खुशी से पागल कर दिया। भगवान ने चाहा तो मैं शादी पर जरूर पहुंचूंगा। तुमसे खुलकर बातें इसलिए ना कर सका कि तुम्हारे आने से पहले पुलिस ने इस अमरे में छुपाकर टेप रिकॉर्डर रख दिया था। तुम्हारा एहसान मंद प्रताप। बदौलत को किसने पुकारा? बीरबल। प्रताप भैया, मैं बिंद्रा हूं। बिंद्रा, बिंद्रा। प्रताप भैया, कल बारात आने वाली है और कन्यादान आप ही करेंगे। एक मिनट, इसे रख लीजिए। ये कपड़े हैं, ये दाढ़ी, ये टोपी, और ये इसके लिए। दफ्तर में सिंचना खा रहे हो? हाँ जी सर। साहब ये सिंचना नहीं है, ये तो टाइम पास। हाँ साहब, मैं तो चक्कर में आ गया। क्यों? आपकी इजाजत के बगैर प्रताप का फाइल बंद करके गया था, और जब टाइम पास लेकर वापस आया तो फाइल फिर से खुली थी। हवलदार, ये फाइल कभी भी बंद नहीं हुई है, जब से खुली है खुली है। बड़ी बेशरम फाइल, बंद करनी से कबाट में रखनी से। नहीं हवलदार, हम एक चांस और लेना चाहते हैं। मिनी लॉटरी वाला भी यही कहता है कि एक चांस और। अंदर जाओ, सकारम जादव और एसपी साहब को बाहर भेज दो। जी सर। अंदर। ओह, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, आइए। नो थैंक्स। वैसे आपने एक बहुत बड़ी भूल की है आज इंस्पेक्टर साहब। क्या? देखिए, शिकार शिकारी को देखकर उसके सामने भला क्यों आएगा? मेरा मतलब है, जिस शख्स को ढूंढने के लिए आप यहाँ आए हैं, वो शख्स अगर यहाँ आ भी गया तो आप लोगों को देखकर भाग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल आपको भेस बदल कर आना चाहिए था, राइट? ही इज राइट सर। हवलदार शक, आओ। अरे भाई साहब, आप यहाँ? अरे भाई, लक्ष्मी बिटिया की शादी है और हम ना हैं। उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, और जुर्म जिसने किया है उसे उसकी सजा मिल ही जाएगी। भाई साहब, ये बात आपने लाख रुपए की है। आइए आइए जनाब जी, आइए। इंस्पेक्टर साहब, हर आने वाले पर नजर रखिएगा, अपनी छोटी बहन की शादी पर आएगा जरूर। लो, हम आ गए। अल्लाह गारत करे शैतान को, यहाँ तो पुलिस भी मौजूद है। आप घूर कर क्या देख रहे हैं? तारी असली है, खींच कर देखिए। आधा बर्दन नवाब साहब। जीते रहो बरखुरदार, लेकिन जरा इन्हें बता दो कि हम कौन हैं? नवाब मिज्जिन मियाँ कव्वाल नखलाऊ वाले? अरे भाई, नवाब इसलिए है कि खानदान से है, और कव्वाल इसलिए है कि कव्वाली का शौक है, और यहाँ अपने दोस्त की हमशीरा की शादी खानाबादी के लिए आए हैं। जाओ इन्हें बता 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 चलो। अच्छा अच्छा, प्रताप भाई के लखनऊ वाले दोस्त आप हैं? जी हाँ जी हाँ, लेकिन आपकी तारीफ। खास साल को बिंद्रा कहते हैं। अरे बिंद्रा, हाँ, तुम तो इतने से थे जब हमने तुम्हें देखा था, और हम तुम्हें जब गोदी में उठाते थे तो तुम काफी बदतमीजियां करते थे। हाल मिला, बहुत बड़ी बदबू आती थी मियां। अरे वो तुम्हारे बड़े भाई भी तो थे, वो अभी तक जिंदा हैं या? जी क्या फरमाया आपने? मियां चुप करिए ना, गोली मारो ना। हाँ बरखुरदार, आप हमारे दोस्त के दोस्त हैं, लिहाजा आप हमारे भी बरखुरदार दोस्त हुए। जी शुक्रिया। और ये सुना है कि आप अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। नवाब साहब, ये तो मेरा फर्ज बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्ज निभाना बहुत जरूरी है। अल्लाह गारत करे शैतान को, हमें दोस्ती पे शेर याद आ गया। अच्छा इरशाद। वैसे शेर तो मुझे भी याद आ गया। अच्छा इरशाद। नहीं पहले अल्लाह, पहले आप। नहीं पहले बच्चों का दमाना है, पहले आप। नहीं नवाब, पहले आप, पहले आप। अच्छा तो पहले हम ही सही। Thank you.
जिंदगी तमाम, जिंदगी तमाम, तमाम जिंदगी तमाम। थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़े, बढ़ते बढ़ते यारा ना हो जाएगा। थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़े, बढ़ते बढ़ते ही यारा ना हो जाएगा। थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़े, बढ़ते बढ़ते ही यारा ना हो जाएगा। थोड़ा सा तुम कहो, कहो कहो, थोड़ा सा तुम कहो, थोड़ा सा हम कहें, कहते कहते ही आसाना हो जाएगा। थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़ें, बढ़ते बढ़ते ही याराना हो जाएगा। करके रहेंगे, आहे करके रहेंगे, जमाने से क्या मौत से भी लड़ेंगे। पक्के पक्के हैं तेरे दीवाने हैं, देशम्मा बुझा ऐसे परवाने हैं। रखा कहने में क्या, आगे तुम देखना, देखे होंगे बहुत हम सफर देखना। थोड़ा सा है सफर, थोड़ी सी है कसर, थोड़ा सा है सफर, थोड़ी सी है कसर, जिसे चाहे निशाना वो हो जाएगा। थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़े, बढ़ते बढ़ते ही यारा ना हो जाएगा। हमसे मिला कर चले आंधियां, दे समंदर जला हम वो चिंगारियां। वक्त देता बदल हर इंसान को, नाप लेते हैं हम हर तूफान को। जहां में हमारा यही है निशान, हमसे होती है मजबूर मजबूरियां, हमसे होती है मजबूर मजबूरियां। माफ करना खता, दे इतना बता, चूर हो जाए हमसे जो टकराएगा। थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़े, बढ़ते बढ़ते ही यारा ना हो जाएगा। लगता है यहाँ है जरूरत मेरी, खींच लाई हमें यार यारी तेरी। हमने सीखा है हर हार को जीतना, बात पिसने के ही रंग लाए ही ना। और को मंजिल मिले न मिले, हमारी तो मंजिल कदम के तले, आए कदम के तले, हाँ कदम के तले। दे दुनिया बदल आसमां तू समल, दे दुनिया बदल आसमां तू समल, टूट कर हर सितारा बिखर जाएगा। थोड़ा सा तुम बढ़ो, थोड़ा सा हम बढ़े, बढ़ते बढ़ते ही यारा ना जाएगा। थोड़ा सा तुम कहो, थोड़ा सा हम कहें, कहते कहते
तेरी अफसाना हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते ही यारा ना हो जाएगा, कहते कहते ही अफसाना हो जाएगा। बेटे अब कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान? मामा खुदा, ये कन्यादान क्या होता है? नौ साहब, ये एक रस्म है। लेकिन ये रस्म कौन अदा करता है? लड़की का बाप। और अगर लड़की का बाप ना हो तो? उसका बड़ा है, लेकिन प्रताप तो यहाँ है नहीं। अरे नंगे तो क्या हुआ, हम प्रताप के बचपन के दोस्त, क्या ये रस्म हम अदा नहीं कर सकते? अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? कर सकते ना, बोलो कर सकते ना? कर तो सकते। चलो ठीक है, चलो 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 जी। आपने कुछ फरमाया? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? शैतान का तो काम ही है नेक काम में रुकावट डालना। क्यों इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, आपको प्रताप और हमारा रिश्ता मालूम है? नहीं मालूम ना। मालूम भी कैसे हो सकता जी, हम बचपन के दोस्त हैं। दो जिस्म दो जान नहीं, एक जिस्म दो जान नहीं, एक जिस्म एक जान। हम तो ये कन्यादान करके ही रहे। किसी शैतान की हिम्मत हो तो आकर रोक ले। क्यों मियां? क्यों? आइए पंडित जी, कन्यादान करेंगे। मम कन्या दान दान करी शेर के हाथ में दीजिए। अब आप इधर आइए, कन्या का हाथ लड़के के हाथ में दीजिए। ओम मंगलम भक्तो शुभो मुहूर्त मस्तु। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो शक हो रहा है, आप जब इस कमल की असलियत तो मालूम कीजिए। लक्ष्मी इंस्पेक्टर साहब, अब कन्यादान करवा दिए, अल्लाह तआला करे शैतान को। साहब मैंने आपसे कहा था ना, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन आप कहाँ जा रहे? मैं वो नवाब साहब अपना खानदान भूल गए। देखिए आप पट्टे साहब, जवाब नहीं हिंदुस्तान की नारी का। क्या हुआ वल्लार? प्रताप की बीवी ने हिंदू मुसलमान का भेद छोड़कर नवाब साहब के पांव छूकर हाथ माथे को लगाया। क्या? हाँ, वो तो बात है। कौन है, कौन वो आदमी? अरे कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा। आप फिर मेरी बात को टाल रहे हैं। भाई साहब, आपको किसी न किसी पे शक तो जरूर होगा। वो मेरे रहने का इंतजाम तो कर दिया ना? हाँ कर दिया, लेकिन आप। और वो खाने पीने का भी कर दिया ना? हाँ उसका भी कर दिया, लेकिन ये बात आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? बताता हूँ बिंद्रा, काश मैं तेरा सगा बड़ा भाई होता तो फिर मैं जेल नहीं जाता। आप फिर मेरी बात को टाल रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप सामने देखकर गाड़ी चला, नहीं तो पत्थर से टक्कर हो जाएगी। भाई साहब एक बात मैं आपको बता दूं, आज मैं जाने बगैर आपको छोड़ूंगा नहीं। और अरे तू पान खा और जल्दी से मुझे वहां छोड़ दे, मुझे नींद आ रही है। सुनो, तुम लोग बिंद्रा के घर पे कड़े से कड़ा पहरा लगा दो। वो कहीं भी आए जाए उसकी फौरन मुझे खबर दो। जाओ। Thank you.
त्यागे क्यों? हाय ये समा चांदनी रात तारे टिमटिमा रहे हैं और तुम ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो ना ये, छोड़ो ना, तुम्हारी हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? कोई देख लेगा तो? देखने दो, छोड़ो। यही तो मैं चाहता हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम पी के आए हो क्या? अरे जब तुमसे मिलना हो तो नशे की क्या जरूरत है? मोहल्ले वाले देखेंगे तो? ठीक है, आइंदा ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ तुम्हारे ये मोहल्ले वाले देख ना सके। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों? बहुत जरूरी काम। अच्छा कि मुझ तक पहुंचने के लिए पुलिस 24 घंटे बिंद्रा का पीछा कर रही है और दूसरी तरफ मेरी वजह से डॉक्टर अनंत की नौकरी खतरे में है। मैं कितना बदकिस्मत हूं, ना उनकी परेशानी दूर कर सकता हूं और ना उन्हें परेशान देख सकता हूं। आप चाहें तो सबकी परेशानी दूर हो सकती है, अपने कातिल के बारे में कुछ तो जाना होगा। भाई साहब, आपकी जबान पे कातिल का नाम क्यों नहीं आ रहा? कह दीजिए ना वो कौन है। भाई साहब कौन है वो? कौन है वो? कैसे कह दूं, किस मुंह से कह दूं कि वो जगजीवन दास है, बिंद्रा का सौतेला भाई। हा? क्या नाम बताया आपने? जगजीवन दास। सेठ जगजीवन दास? तुम उनके बारे में कुछ जानती हो? मुझे जग्गू की बात याद आ गई। जग्गू कौन? मेरा बड़ा भाई। वो शांति से प्यार करता था। उसने कहा था कि शांति किसी बहुत बड़े सेठ जगजीवन दास के बच्चे की मां बनने वाली है। तुम्हारा भाई आजकल कहां है? वो तो जेल में है। जेल में? फिर तो उससे मिलना ही पड़ेगा। मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। उसे धोखा देने के लिए तुम लाइट ऑफ करके दरवाजा बंद करके बाहर चली जाओ। ज्यादा तो नहीं लगी है? बेहोश होगी साहब। बेहोश हो गई तो अपने बंगले में ले चलो, पास ही तो। अच्छा साहब। उठा उठा। ओह माय गॉड, हम इधर कैसे आना मांगता? मांगता नहीं, हम तुमको इधर लाया। ये नर्सिंग होम है? नहीं 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 नहीं, नर्सिंग होम नहीं, हमारा घर है। बहुत तकलीफ है क्या? ये अंग्रेजी दवाई पी लो, शायद दर्द दूर हो जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छी है। अच्छा अब क्या हुआ? तो दवाई लगाएगी जा सकती है। अब क्या हुआ? इधर दुखता है। ओ, तो लाओ यहाँ भी लगा दे। नॉटी बॉय, हम लगाएगा। लगा ले, लगा लो। ओ, तुम उधर जाओ। नॉटी फेस उधर करो। ओ, नॉटी बॉय होना मांगता तुमको। दुखता है। नाटी नाटी बॉय, तुम हमको चोरी चोरी देखना मांगता। हे मैम साहब, ये फटा हुआ गगरा बदल डालो, हर आदमी की नजर उधर ही पड़ती है। हम जिधर ठहरा उधर इज बदली करेगा। कहाँ ठहरा तुम? ये हम नहीं बताया, हम किसी को नहीं बताएगा। देखो बतला दो, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। How sweet! तुम बहुत जेंटल है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम
देखो तुम हमको किसी भी नाम से पुकारो, हम जवाब देंगे। नहीं देखो, हमको एक बहुत बड़े सेठ की तलाश है। क्या नाम है उसका? पहले तुम अपना नाम बताओ ना। अब तो बतलाना ही पड़ेगा, हमारा नाम है सेठ काली चना। काली चना? नहीं, हमको काली चना नहीं मांगता। तो क्या मांगता? हमको सेठ जगजीवन दास की तलाश है। तुम्हें जगजीवन दास से क्या काम है? पैसा, पैसा बनाएगा। तुम किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं, हम किसी को नहीं बताएगा, हम प्रॉमिस करते हैं। सेठ जगजीवन दास ने ना हमारी गर्लफ्रेंड शांति को धोखा दिया। कौन शांति? दुखता है। हम पूछता है कौन शांति? अरे वही शांति जो बचपन में हमारे साथ रहता था। हमारा बॉयफ्रेंड हमको पेरिस ले गया और शांति हमको उधर लेटर लिखता था, बहुत बहुत लेटर लिखता था। शांति ने जगजीवन दास के बारे में तुमने क्या लिखा? लिखा है कि जगजीवन दास ने शांति से शादी बनाने का प्रॉमिस किया पर शादी नहीं बनाया, पेट में बेबी भी छोड़ दिया, काम निकलने के बाद मुंह फेर दिया। तो ये सब कुछ लिख दिया है? हम पेरिस का पेपर में ये भी पढ़ा कि शांति का मर्डर हो गया। बस हम कहता है शांति का मर्डर जगजीवन दास ने किया। मगर तुम जगजीवन दास से क्यों मिलना चाहती हो? उसे पुलिस के हवाले करना है क्या? हमारे पास शांति का इतना लेटर है, हम बेनिफिट उठाएगा। पेरिस में गर्ल लोग पैसा बनाता है, हम भी बनाएगा। बहुत समझदार दिखती हो तुम। हम जगजीवन से बोलेगा हमसे शांति का लेटर परचेज कर लो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। श्यामा, श्यामा, प्रताप भाई का शक आपके भाई पर है, मैं आपके भाई के पास सबूत हासिल करने जा रही हूँ। Come on.
ये गाना क्या हुआ? गाना क्यों खत्म कर दिया? गाओ, गाओ। जरूर गाऊंगी काली चरण से। काली चरण? साला काली चरण कौन है? मेरा नाम जगजीवन दास है। जगजीवन दास? आप जगजीवन है? जगजीवन दास है? मतलब शांति का बच्चा आपका है? बच्चा है? बच्चा है नहीं, बच्चा था। शांति भी थी, तो मैंने दोनों को एक लात मार के खत्म कर दिया। सुनो, शांति के लेटर तुम्हारे पास है ना? मैं दूंगी, आपको दूंगी। तुम मुझे दोगी, फिर मुझसे पैसे लोगी, फिर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जानो, तुम गाओगी, पहले तुम पियो। मैं सिर्फ अपने सेठ के लिए अंधा हूं, दूसरों के लिए नहीं। चल चल मेरे साथ। तो तुम हो? मैं अपने सेठ के दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। चल चल मेरे साथ। कुछ नहीं जानती। मोहन, सुना तुमने? ये बेचारी कुछ नहीं जानती। लड़की, मेरे सब्र और इंतजार के साथ खेलने की कोशिश मत करो। बतलाओ कागजात कहाँ है? ये मुझसे नाटक कर रही थी, मुझसे पैसा करना चाहती थी। लड़की, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बतलाओ ताकत कहाँ है? तुम ऐसे नहीं बतलाओगी। मोहन, ये ऐसे नहीं बताएगी। जगजीवन है? जगजीवन दास है? मतलब शांति का बच्चा आपका है? बच्चा है? बच्चा है नहीं, बच्चा था। शांति भी थी, तो मैंने दोनों को एक लात मार के खत्म कर दिया। लड़की, तू समझती क्यों नहीं है? तेरी इज्जत में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तू मुझे कागज नहीं लौटाएगी, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार देता हूँ, वो कागज कहाँ है? लाओ कागज कहाँ है? We'll be right back.
रख लो। क्या है? तुम्हारे पास शांति का कोई जरूरी कागज है? हाँ, वसीयतनामा। कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? बहुत कुछ, शांति का खून हो गया। किसने किया? मैं उसे मार डालूंगा। कौन है वो? बताओ किसने किया है? जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर विश्वास किया, आपको मेरी बेगुनाही पर यकीन आया और आपने अपनी इज्जत और पोजीशन का ख्याल न करते हुए भी मुझे फांसी से बचने का एक मौका दिया। अपनी बेगुनाही के लिए कोई सबूत हासिल कर सके? जी हाँ डॉक्टर साहब, मुझे असली खूनी का पता चल गया है, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा सबूत मेरे हाथ नहीं लगा जिस पर कि अदालत यकीन कर सके। अब मुझे पुलिस की मदद चाहिए, इसलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। मिस्टर प्रताप चंद, कानून और पुलिस हमेशा मुझे इनके लिए हमदर्दी रखते हैं। मैं पूरा यकीन है कि आप अपनी सफाई के लिए कुछ सबूत हासिल करने गए थे। देखिए, आपको जो कुछ कहना है हम हिसाब से बता दीजिए, बेधड़क। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बात की बात है, पहले हमें इसी वक्त उन दोनों की जान बचाना है जिन्होंने मेरी मदद करने के लिए अपने आप को खूनी के हवाले कर दिया। कौन खूनी है, किस पे शक है आपको? सेठ जगजीवन दास। क्या? क्यों हो गए ना हैरान? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि असली खूनी वही, लेकिन पहले हमें बिंद्रा और शामू की मदद के लिए जाना जरूरी है जिनकी जान खतरे में। कहाँ है सब वो लोग? जगजीवन दास के घर। तुमने सुना? हाँ। तुमने? हाँ। क्या? जगजीवन दास के घर में? आई? हाँ। टिकट प्लीज। शीश महल, चांदनी चौक, अहमदाबाद, औरंगाबाद। तुम लोग को किधर जाने का है? डायरेक्ट ऊपर जाने का है। तुम लोग सब पागल है क्या? ज्यादा गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ आ जाएगा, मानेगा सब? अब इसके आगे क्या जाना भाई? आगे जाके डर खाए, आगे जाके गिर खाएगी। ड्राइवर गाड़ी लेफ्ट लेना। अरे लेफ्ट कैसा लेगा, तुमको कुत्ता ने काटा है क्या? अरे अभी जब तो नहीं काटा, अभी काटेगा। अभी लेफ्ट लो। लेफ्ट कैसा लेगा? बिंद्रा, इस दफा तुम बिल्कुल मेरे काबू में हो, लेकिन सुनो, मैं तुम दोनों को जीवन दान दे सकता हूँ अगर ये लड़की वो लेटर मेरे हवाले कर दे। भाई साहब, अब भी मेरी बात मान लीजिए, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए और रहम की अपील कीजिए। मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, मैं आपका भाई हूँ। नहीं 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 बिंद्रा, तुम तो ऐसे भाई हो जिसने हमेशा मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, मेरी हर स्कीमों का, हर इरादों का सत्यानाश किया है। तुम जैसा भाई मुझ तो क्या हमदर्दी रख सकता है, मुझे क्या राय दे सकता है? और बिंद्रा, अब तो बाजी मेरे हाथ में है। लड़की कहाँ है वो लेटर? मैं सच कहती हूँ, मैं लेटर के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारे पास लेटर नहीं है तो वसीयतनामे के बारे में तुम क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। तो फिर कौन जानता है? मेरा भाई जग्गू। जग्गू? तुम्हारा भाई कहाँ है वो? बिंद्रा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, अच्छी तरह देख लो, मेरे आदमी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, बहुत वफादार है ये सबके सब। देख लिया बिंद्रा, अगर ये लड़की यूं ही अपनी जिद पराड़ी रहेगी तो तुम दोनों का क्या हाल होगा वो भी देखो। देख लिया तुमने क्या हाल होगा तुम्हारा? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, वसीयत कहां है?
अच्छा तो तू नहीं बतलाएगी ना? हंस लो। शान किया है, मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। फेंक दो इन तीनों को जहन्नुम के आग में, फेंक दो। पोस्टमैन इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम सब मेरी हिरासत में हो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिले। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत सख्त जरूरत थी। आवाज नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे नहीं, इसे। किस जुर्म में? कौन है? मेरा नाम जग्गू है। जग्गू? जग्गू? हाँ बहन, मुझे आने में देर हो गई। हट। इंस्पेक्टर साहब, चेक जगजीवनदास को गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार मुझे? किस जुर्म में? शांति के कत्ल के इल्जाम में। शांति? कौन शांति? वही जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या वक्त है तुम, मैं किसी शांति वांति को नहीं जानता। तुम उसे जानते थे, और उसका सबूत ये वसीयत नामा है जो तुमने शांति के नाम लिखा था। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। अब कोई सबूत नहीं रहा। सेठ जगजीवन दास, तुम गलती कर रहे हो। यह नकली वसीयतनामा है, और मैं नकली जग्गू। तो फिर असली वसीयतनामा कहां है? असली जग्गू के पास, जो अभी तक जेल में है। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इंस्पेक्टर, अब तुम्हारी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा, श्यामा को छोड़ दीजिए।
वेल डन मोहन, देख लिया तुम सबने, अब इस लड़की की जान बहुत खतरे में है। चलो सेठ जी। और मोहन, तुम्हारी एक अपाज बहन है, उसे अकेली छोड़कर जा रहे थे। तुम उसकी फिक्र मत करो, मोहन अपनों का संभालना खूब जानता है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो उस लड़की की जान जा सकती है। कमान कमान मैन, आगे बढ़ बोलो। और तुम सब के सब कुत्तों की मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। शाबा का क्या होगा? अब तू घबरा नहीं, मैं ऐसी चाल चल कर आया हूँ, तू सुबह नतीजा देखना, पहले कैसे बच चल। चलो बहन, अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। भैया दूर, बहुत दूर। दूर? मगर क्यों? तू डरती क्यों हो पगली? मैं भी तेरे साथ हूं। भैया मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। लेकिन हम सिरजी के साथ इस गाड़ी में जा रहे हैं ना? कहते थे मैं इसमें नहीं बैठूंगी। तो तुम ही वो सेठ हो जिसने मेरी बहन की ये हालत बना दी, मेरी ही बहन के साथ। सेठ, तुमने अपने वफादार नौकर के साथ ये धोखा किया। मोहन, तुम्हारे एक छोटे से इशारे पर तुम्हें लोगों की जान तक ले लेता था। कितने आदमियों को जहरीली गैस में मरने के लिए छोड़ा। सेठ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा। सेठ, अब मैं तुम्हें जान से मार
तुम्हारी सारी गोलियां खत्म हो चुकी। मोहन तुम्हें क्या हो गया है? ये मत भूलो तुम मेरे आदमी हो, तुमने मेरा नमक खाया है। अरे मोहन तुम्हें क्या हो गया है? शेरू मेरा भैया नीचे से इजाजत मिली है कि आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए। हॉस्पिटल में रखा जाए? ये रहा आपका कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर? बहुत दिनों से तंदूर की रोटी खाने को जी चाह रहा था भैया, तो भी खाए। भाई साहब हमको तो आप जानते ही हैं, आपकी बहू। नमस्ते भाई साहब। और इनसे मिलिए, ये है आपका भतीजा। चाचा चूरक भतीजा काजी, चाचा गोजी उदाना भतीजा राज, भतीजा राज, भतीजा राज, भतीजा राज, भतीजा राज, भतीजा राज।